एक बड़ी खबर आपको बता दो, यूपी के आगरा से। यूपी के आगरा में पारस अस्पताल के खिलाफ राजनीतिक पार्टियों का आक्रोश लगातार जारी है। मामले में आम आदमी पार्टी ने हॉस्पिटल और जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है। सेंट जॉन चौराहा हनुमान मंदिर के सामने आम आदमी पार्टी ने धरना दिया। हॉस्पिटल पर हत्या का केस दर्ज कराने की आम आदमी पार्टी ने मांग की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दो, यूपी के आगरा से। यूपी के आगरा में पारस अस्पताल के खिलाफ राजनीतिक पार्टियों का आक्रोश लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी ने हॉस्पिटल और जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सेंट जॉन चौराहा हनुमान मंदिर के सामने आम आदमी पार्टी ने धरना दिया है। इसी के साथ ही पारस अस्पताल पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की है। आगरा से हमारे सहयोगी अंकुर शर्मा की खास रिपोर्ट। कोई दीक्षित जी सुने हैं, उन दीक्षित जी के छोटे भाई होते हैं, उन भाई के भी बेटे होते हैं। पिछले साल जब ये अस्पताल सील हुआ था, अनिल अग्रवाल की पैथोलॉजी चलती थी, सील खुलने के बाद में उन छोटे भाई की पैथोलॉजी चल रही है श्री पारस पैथोलॉजी के नाम से। और इसी प्रकार से राजपुर चुंगी पे भी एक अस्पताल सील हुआ था, वहाँ से सैंपल लाने का भी काम वो करते हैं। तो क्या मांगे आप? मांग यह है, इस खुलासे के संग, इस बात के साथ में, जो जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, 302 का 188 200 रुपये का चालान ना करके 302 का मुकदमा करें, और दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करें। इसके अतिरिक्त जो मृत हुए हैं उनसे जो पैसे वसूले गए हैं, नए ब्याज के वापस करे जाए, और जब तक ये पैसे वापस नहीं करे जाएंगे, हम यहाँ निरंतर रोज सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर तक का धरना देंगे, प्रतिदिन बैठेंगे। आगरा प्रशासन को छूट है हमको गोली मार दे, हम पे प्रशासनिक जितनी कार्रवाई कर सकती है वो करें, जेल भेज दे, मेरी एक टांग टूटी है दूसरी टूटी खोवाने को तैयार हूँ, लेकिन जब तक नहीं हटूंगा, जब तक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती है और इस अस्पताल के मालिक